राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वावधान में भारत बंद किया जाएगा। 7 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन हर जिले में कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन करेगा मोर्चा। राजधानी भोपाल में भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वावधान में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान होकर 7 अगस्त को भारत बंद किया जाएगा। कई मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से सरकार को विरोध जता चुके, मगर सरकार ने कोई मांग नहीं मानी। मिलिंद बौद्ध मेरा नाम है और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम। तो हमारा कार्यक्रम 4 चरणों में होने वाला है और 6 जुलाई को हो गया। 6 जुलाई 23 को पहला चरण हुआ जिसमें हमने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया था। दूसरे चरण में 18 जुलाई को आज तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्य चल रहा है। तृतीय चरण में 27 जुलाई को हम लोग फिर से जिला स्तरीय रैली प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। और चौथे चरण में 7 अगस्त को पूरा भारत बंद किया जाएगा। ये आदिवासियों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ ये आंदोलन है। तो आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार आज देश में हो रहे हैं, 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं हो रही है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है और आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम चल रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है, उनके जमीन के पट्टे उनको नहीं दिए जा रहे हैं, राजस्व की जमीन उनके नहीं मानी जा रही है, तो उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है आज हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है और आदिवासियों के ऊपर, हमारे देश के मूल निवासियों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। सरकार को दावा करे कि आदिवासी भोसाई कल्याण योजना चला रही है, कोई योजना नहीं हो रही है। जमीन स्तर पर जाकर के देखिए, आज कोई व्यक्ति किसी के मुंह पे पेशाब कर रहा है, ये स्थिति आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हो रही है। तो कौन सी योजना लागू हो रही है, क्या हो रहा है, कहने के लिए नाम के लिए उनका वो किया, कोई कार्रवाई किया, फर्जी उनका काम किया जा रहा है, उनको कोई सजा नहीं हो रही है। आदिवासी को जैसे सरकार के सांसद भी ये पल्ले सुन सकते, वो तो इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को आदिवासी यदि उठा लेते तो हमको यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करना होता। वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, वो उनके लोग हैं जो पुना पेट के आधार पर चुन करके गए हैं। हमारे एससी एसटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए बन के यहाँ से गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे समाज का काम नहीं कर रहे हैं। आदिवासी समाज को गुमराह करके, गुमराह किया जा रहा है 100% आदिवासी समाज को गुमराह करके वोट लिया जा रहा है। मोटी मोटी बातें ऊपर ऊपर करते हैं, जमीनी स्तर पर अन्याय अत्याचार चालू है, इसके विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है।